ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। मैं हूं आपके साथ अविनाश चौधरी। अनलॉक 8 के बाद दिल्ली को मिली एक बार फिर से रफ्तार। दिल्ली की लाइफलाइन कहे जाने वाली मेट्रो और डीटीसी सेवाओं में लोगों को 100% क्षमता के साथ यात्रा करने की मिली अनुमति। कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि सबको बहुत परेशानी हो रही थी यहाँ पे। जैसे अभी देख सकते हैं आप, बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, और इससे पहले जब 50% था तब इससे भी ज़्यादा लंबी लाइन लग रही थी। तो भैया बहुत अच्छा है, लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, आने जाने में परेशान दिक्कत हो रही है, बसों का प्रॉब्लम हो रही थी, अच्छा हो रहा है। क्या अभी आप अंदर जा रहे हैं तो आपको क्या देखने को मिला? पहले से ज़्यादा भीड़ है या कम? ये पहले से ज़्यादा भीड़ है, पहले से ज़्यादा भीड़ है, पहले से काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और मैं मानता हूँ अगर जो ऐसे रहा, ज़्यादा भीड़ रही, तो COVID-19 बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो तीसरी आने वाली तीसरी लहर में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। सर, आपको क्या लगता है ये जो 100% क्षमता के साथ मेट्रो चलने की अनुमति मिली है, कहाँ तक सरकार का फैसला सही है और कहाँ तक गलत? देखिए, ऐसा है, जब मेट्रो कम क्षमता के साथ चल रही थी तो लोगों के सामने बड़ी दिक्कतें थी, बड़ी परेशानी थी। अक्सर हम देखते थे मेट्रो स्टेशन के बाहर कुछ लोगों की एंट्री के बाद गेट बंद कर दिए जाते थे। अब किसी को अगर अपने ऑफिस पहुँचना है तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा था टैक्सी या ऊबर, तो इसलिए मेट्रो को जो 100% क्षमता के साथ चलाने का फैसला सरकार ने लिया है, इसका हम लोग खास तौर से विद्यार्थी वर्ग जो है, छात्र वर्ग है या काम करने वाले लोग हैं, वो उसका दिल से स्वागत कर रहे हैं और एक अच्छा फैसला किया गया है। हाँ, इसके बावजूद जब ये 100% अलाउ किया गया है तो उसके जो प्रोटोकॉल हैं कोविड के, वो जिम्मेदारी अब हम सब लोगों की, हम सब उसको पूरा करें, सोशल डिस्टेंस बना के रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और हाथ सैनिटाइज़ करते रहें, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई परेशानी आनी नहीं है। बस हम लोग जो प्रोटोकॉल है उसको अगर फॉलो करते रहें तो 100% क्षमता के साथ मेट्रो की अनुमति मिली, लेकिन फिर भी अभी खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं मिली है, तो क्या लगता है लोग नियम का पालन कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है, हर तरह के लोग हैं। नियम तो ये है कि आपको खड़े होकर ट्रैवल करने की परमिशन नहीं है, लेकिन जो सीट्स हैं, जो मेट्रो में सीट्स हैं, अभी सबसे पहले हम देख रहे थे कि एक एक छोड़कर सीट्स अलाउ थी, अभी सब सीट्स अलाउ हैं, 100% क्षमता अलाउ है, बट स्टैंडिंग पोजिशन अलाउ नहीं है, तो लोगों पर अभी उसका असर नहीं है। तो ये हमारी, आपकी, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अगर मेट्रो में ऐसा देखें तो लोगों को बताएं, उन्हें जागरूक करें कि ये हमारे लिए ही सरकार ने फैसला कराया और हम इसका स्वागत करें और इसको फॉलो करें। और जैसा कि हम देख रहे हैं कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, तो क्या लगता है इसका असर कोरोना की तीसरी लहर पर पड़ सकता है? देखिए, तीसरी लहर के बारे में बहुत सारी एजेंसीज जो हैं अपनी अपनी आशंका जो व्यक्त कर रही हैं, बता रही हैं कि तीसरी लहर आ सकती है, ये आने वाली है, तो उसका फिर एक ही तरीका है कि हम लोग उसके प्रोटोकॉल को फॉलो करते रहें, उससे बच के रहें, जो सरकार ने हमें बताया है कि सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज और मास्क, इन सब का इस्तेमाल हम करें। इन माय ओपिनियन, अगर हम बिजनेस वर्कर्स की बात करें जो अपना काम करते हैं, जो वर्किंग है, उनके लिए तो मेट्रो सफिशियंट है, क्योंकि उनके लिए ओपन करना बहुत ज़रूरी था। जिनके पास अपना कन्वेंस नहीं है, वो 130-140 अपना फेयर रेंट मतलब दे के जा रहे हैं, तो उससे मेट्रो तो सफिशिएंट है। बट हाँ, 100% से नहीं ओपन करना चाहिए, उन्हें थोड़ा कम रखना चाहिए, क्योंकि कोविड के केसेस अभी भी हम जैसा सुन रहे हैं उतना क्लियर नहीं है। सो इन माय ओपिनियन थोड़ा ठीक भी है, बट थोड़ा उससे 100% ना करके थोड़ा उसको कम करें। और अब मैंने जैसे देखा, अभी इतनी कोई सेफ्टी नहीं है, बस वो सैनिटाइज़र दे रहे हैं, एंड टेस्टिंग जो था मेन, वो जो टेस्टिंग था कि टेस्ट करके अंदर जाने देना, उसका कोई वहाँ पर मुझे लगा नहीं कि कोई मेन रोल है अंदर। और आप अंदर से आ रहे हो, आपको क्या लगा, दिखा पहले से ज़्यादा भीड़ है या कम? नहीं, भीड़ तो बहुत ही कम है, भीड़ लोगों को खुद ही है कि लोग खुद ही डर रहे हैं कि हम क्यों मेट्रो में जाएं या क्यों करें, तो भीड़ तो बहुत कम है। पहले से जो रश है कश्मीरी गेट साइड भी बहुत ही ज़्यादा कम है। इतने के बाद भी अभी खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं मिली है, तो इस पर आपका क्या कहना है? अनुमति नहीं मिली है, बट लोग खड़े होकर जा ही रहे हैं। अब जो जाएं, जिनको जाना है, अब जिनको बैठने की सीट नहीं मिलेगी, वो खड़े होकर जाएं। कोई पालन नहीं हो रहा, वो तो हमारा इंडिया है ना, इंडिया में कभी नहीं होता ये, तो बिल्कुल। तो क्या लगता है इससे कोरोना तीसरी लहर जो आने वाली, इस पर उसका असर पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ेगा, तीसरी लहर पे असर तो बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि लोगों को खुद ही अवेयरनेस नहीं है कि अगर कोई कानून बनाए गए हैं तो उनका फॉलो किया जाए, या तो मेट्रो का वेट कर लें, या तो फिर बाहर खड़े रहें, या मेट्रो वालों को होना चाहिए थोड़ी स्ट्रिक्टनेस बढ़ाएं। हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली मेट्रो के सिविल कॉन्ट्रैक्टर शादाब जी। दिल्ली सरकार अनलॉक 8 की गाइडलाइन जो जारी की है मेट्रो के लिए, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इसमें जो सबसे अहम फैसला हुआ है वो दिल्ली मेट्रो को 100% ऑक्यूपेंसी के साथ खोलने का हुआ है।
और इस फैसले का जहाँ तक मेरा ख्याल है, और जैसे कि मैं देख रहा हूँ जनता में रुझान, लोगों में जो रुझान देख रहा हूँ कि लोगों ने इसका बड़ा दिल से स्वागत किया है। ये जब मेट्रो 50% ऑक्यूपेंसी के साथ चल रही थी और कोरोना का जो पॉजिटिव रेट था वो भी धीरे धीरे कम होता चला जा रहा था, बिलो हो चुका था, इसमें अब आम जनमानस को बड़ी परेशानी थी, जो स्टूडेंट वर्ग है हमारा या जो कारोबारी लोग हैं या जो कहीं नौकरी पेशा लोग हैं, चूंकि अब अनलॉक के तहत दुकानें खुल चुकी हैं, मार्केट खुल चुका है, तो अब उनको अपने अपने डेस्टिनेशन पर जाने के लिए या तो बहुत ज़्यादा किराया खर्च करना पड़ रहा था उनको, चूंकि बसेस में भी ऑक्यूपेंसी 50% थी और मेट्रो के भी क्या था 50% थी, गेट्स बंद कर दिए जाते थे अगर ज़्यादा रश या ज़्यादा प्रेशर हो जाता था। तो ये जो फैसला सरकार ने लिया है इसका मैं और मेरे जैसे बहुत सारे लोग इसका स्वागत करते हैं, ये एक बहुत अच्छा फैसला है। लेकिन इस फैसले के बावजूद अब हम लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ गई है, हम सबकी जिम्मेदारी और ये बढ़ गई है कि गवर्नमेंट ने कोरोना की गाइडलाइन के जो भी प्रोटोकॉल्स जारी किए हैं वो सब हमको मानने हैं, और अगर हम देखें किसी ऐसे व्यक्ति को जो इस प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं कर रहा है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको जागरूक करें, उसको उसके नुकसान बताएं। जो ये आज़ादी अगर हमें सरकार की तरफ से मिल रही है तो अब ये मेरी आपकी हम सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको बचा के रखें। और तीसरी लहर आने की जो आशंका जताई जा रही है, ऊपर वाला ना करे कि तीसरी लहर मेरे देश में आई, क्योंकि पिछली दूसरी लहर में बहुत मासूमों ने अपनी जान खोई है। तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है कि हम लोग इस प्रोटोकॉल को फॉलो करते रहें, गाइडलाइन को मानते रहें, बहुत ही ज़रूरी हो तो घर से बाहर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल लगातार करते रहें। बस मेरा दिल्ली वासियों से और सभी देशवासियों से ये कहना है कि कृपया करके आप लोग किसी भी तरह से इस तीसरी लहर को हराने में देश का, देश की सरकारों का, तमाम एजेंसियों का साथ दें। आपको क्या लगता है तीसरी लहर पर इसका असर पड़ सकता है? देखिए ऐसा है, अभी जो पॉजिटिव रेट दिल्ली के अंदर है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो तीसरी लहर आने की सिर्फ आशंका जताई जा रही है। पहले तो हम सबका ये मानना है कि भगवान ना करे कि तीसरी लहर आए, लेकिन अगर तीसरी लहर फिर भी आती है तो इसके कहीं ना कहीं वजह अगर रहेगी तो हम सबकी कोताहियाँ रहेंगी, हम सबके गैर जिम्मेदाराना जो तरीका रहेगा वो रहेगा, जबकि हमने सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं करी, दिल्ली के कुछ मार्केट्स में इस तरह से भीड़ उमड़ रही है कि सरकार को वो मार्केट्स पर बंद करने पड़े। तो सरकार, देखिए सरकार हमको रास्ता बता सकती है, सरकार हमको दवाइयाँ मुहैया करा सकती है, सरकार हमको इलाज मुहैया करा सकती है, लेकिन बीमारी से तो हमें और आपको खुद बचना है, उस बीमारी से बचने के लिए हमें और आपको ही पहल करनी होगी। जैसा कि आपने देखा, लोगों ने बताया कि गाइडलाइन जारी होने के बाद भी लोग पूरी तरह से पालन नहीं कर रहे हैं, लोगों के अंदर अभी भी कोरोना का डर बना हुआ है। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिए दिल्ली दर्पण टीवी, हमारे सहयोगी सुशील के साथ अविनाश चौधरी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।